बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट मींस चार्जेस को रेस्ट पे रखते हुए हम उनसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस दो हैं, ज़ीरोग्राफी फर्स्ट वन, जिसको फोटोकॉपियर भी कहते हैं, और सेकंड है इंकजेट प्रिंटर। पहले हम ज़ीरोग्राफी को डिटेल में देखते हैं। इसकी डायग्राम बुक से देखें आप, हर चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है इसमें। फोटोकॉपी मशीन, इसका नाम ज़ीरोग्राफी, दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं, ज़ीरोस एंड ग्राफोस, मींस ड्राई राइटिंग। मेन पार्ट इसका हार्ट ऑफ द मशीन है, एक ड्रम होता है एल्यूमिनियम का बना हुआ, जिसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की जाती है। The heart of the machine is a drum which is an aluminium cylinder coated with a layer of selenium. Aluminium is an excellent conductor. बहुत अच्छा conductor है aluminium. On the other hand, selenium is an insulator in the dark and becomes a conductor when exposed to light. It's a photoconductor. As a result, if a positive charge is sprinkled over the selenium, it will remain there as long as it remain in dark. यानी अगर आप पॉजिटिव चार्ज छिड़क दें सिलीनियम के ऊपर, तो जब तक ये अंधेरे में रहेगा ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सिलीनियम अंधेरे में इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब लाइट फॉल करती है तो ये कंडक्टर बन जाता है। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनमें से करंट फ्लो कर सकता है, और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। इफ द ड्रम इज एक्सपोज टू लाइट, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एल्यूमिनियम पास थ्रू द कंडक्टिंग सिलीनियम एंड न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्जेस। इफ द ड्रम इज एक्सपोज टू एन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड, द डार्क एंड लाइट एरियाज ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस corresponding areas on the drum. The dark areas retain their positive charges, but light areas becomes conducting, lose their positive charge and become neutral. In this way, a positive charge image of the document remains on the selenium surface. Then a special dry black powder called toner is given a negative charge and spread over the drum, where it sticks to the positive charge areas. यहाँ आपके पास एक नई चीज़ है, ड्राई ब्लैक पाउडर, जिसका नाम टोनर है। नेगेटिव चार्ज इसको देते हैं और इसको ड्रम के ऊपर डाल देते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस के साथ चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। द टोनर फ्रॉम द ड्रम इज ट्रांसफर्ड ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीज। Heated rollers then melt the toner into the paper, which is also given an excess positive charge to produce the permanent impression of the document. और इस तरह से आपके पास फोटोकॉपी पेज आ जाता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। सेकेंड है इंकजेट प्रिंटर। एन इंकजेट प्रिंटर इन फिगर 12.12A इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। इसके ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस यूज होते हैं, और कीप इन माइंड इन चार्जेस की मोशन नहीं है, ये चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर, द इंकजेट प्रिंटर इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक, द इंक इज फोर्स्ड आउट ऑफ अ स्मॉल नोजल एंड ब्रेक्स अप इन टू एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, यानी इनकी मोशन के दौरान द ड्रॉपलेट्स पास थ्रू टू इलेक्ट्रिकल कम्पोनेंट्स। ड्रॉपलेट्स दो इलेक्ट्रिकल कम्पोनेंट्स में से पास करते हैं, एक को चार्जिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं और दूसरा है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पैरेलल प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। When the print head moves over regions of the paper which are not to be inked, the charging electrode is left and gives the ink droplet a net charge. The deflection plates divert
such charge droplets into a gutter, and in this way such drops are not able to reach the paper. जब इंक के ड्रॉप्स मूव करते हैं, अगर कोई ड्रॉप चार्ज हो जाता है तो वो पेपर तक नहीं पहुंच सकता, वो डाइवर्ट हो जाता है, यानी मुनहरफ हो जाता है अपने रास्ते से. सीधी लाइन, ये डॉटेड ब्लू कलर की ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं बुक में, ये स्ट्रेट जाने की बजाय फिर मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद उसको एक गटर में, यानी एक किस्म की खाली जगह कोई रखी हुई है उसमें वो इंक ड्रॉप फिर गिर जाते हैं, वो आगे तक इमेज को कॉपी करने के लिए नहीं पहुंचते. Whenever ink is to be placed on the paper, the charging control responding to computer turns off the charging electrode. The uncharged droplets fly straight through the deflection plates and strike the paper. A diagram of such a printer is shown in figure 12.12b. इसमें देखें, ink supply, ये आप इंक पॉट ही इसको समझ सकते हैं, उसके ऊपर पंप लगा हुआ है. पंप मीन कि इसमें से इंक को सट करके आगे तक ले जाएंगे. तो नोजल है प्रिंट हेड के ऊपर, इस नोजल में से प्रेशर की फॉर्म में, स्टीम्स की फॉर्म में, जिस तरह से आपने शावर्स देखे होंगे उससे इंक निकलती है, या परफ्यूम की बॉटल से ड्रॉप्स निकलते हैं ब्रश करने से, उस तरह से ड्रॉप्स निकलेंगे. तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड की दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनमें से ये ड्रॉप्स पास करेंगे और उसके बाद डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास करेंगे. जो ड्रॉप तो सीधा चला जाएगा, वो नेक्स्ट पेपर लगा हुआ है उसके ऊपर जाएगा और इमेज कॉपी के लिए यूज हो जाएगा. जो चार्ज हो गया वो डाइवर्ट हो जाएगा गटर में, वो यूज नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा. और इस तरह इंक जेट प्रिंटर से आप जिस कलर की इंक यूज करोगे उसी कलर का प्रिंट ले सकते हो. तो ये कलर्ड फोटोकॉपीज जो आपने देखी होंगी, ये इंक जेट प्रिंटर से ही आपको मिलती हैं. अब आप अपनी असाइनमेंट लिखें, कुछ लेक्चर रीड आउट अच्छी तरह करने के बाद, बेशक आप बुक से देख के लिखें, आपने फोटो कंडक्टर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद टोनर की डेफिनेशन लिखनी है आपने, सबसे पहले जीरोग्राफी को लिखें, और व्हाट इज हार्ट ऑफ द मशीन, चार चीजें हो गई, जीरोग्राफी, हार्ट ऑफ द मशीन और फोटो कंडक्टर और टोनर, इनकी डेफिनेशंस लेक्चर सुनने के बाद आपने लिख के फिर मुझे सेंड करनी है. आपका टाइम 10:30 से 11:40 तक है, इसी टाइम के दौरान आपने जो क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछें, और ये असाइनमेंट इसी टाइम के दौरान आपने सेंड करनी है. अगर मुझे टाइम ना मिले, ज़्यादा बच्चों का काम हो, तो मैं आपको जब देर से भी इसका रिप्लाई दे सकती हूँ, लेकिन आपने इसी टाइम के दौरान भेजना है. और सवाए सब्जेक्ट के आपने कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं करना, ना ही कोई पोस्ट वगैरह भेजनी है. अल्लाह हाफिज़. किसी स्टूडेंट ने एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में पूछा था, बेटा मैंने इसको एक एक पॉइंट लिख दिया है, इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, इंशाल्लाह ताला आपको इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. अल्लाह.